बोला कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की। हम लोगों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की। हमने नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात की। हमने बिजली के दरों को आधा करने की बात की। हमने जीविका दी दीदी आशाकर्मी आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी सहायिका उर्दू शिक्षक कार्यपालक सहायक सांख्यिकी स्वयं सेवक लाइब्रेरियन रसोईया सहित तमाम अन्य साथियों को मानदेय बढ़ोतरी की बात की और नियमित करने की बात की। हम लोगों ने किसान मजदूर कृषि ऋण माफ़ करने की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की। शिक्षा पे लगभग जो बजट का बिहार का कुल जो आंकड़ा निकल कर के आता है वो लगभग पूरे बजट का 22% जो होगा वो शिक्षा पे हम लोग जो है खर्च करने का काम करेंगे। इसकी भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। हमने किसान आयोग बनाने की बात की, व्यावसायिक आयोग बनाने की बात की, युवा आयोग और खेल आयोग बनाने की बात की है। हमने देश में हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनाने की बात की। हमने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नीति को लागू करने की बात की। लगभग 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों को सुनिश्चित हो, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। मिथिलांचल में हम लोगों ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। हम लोगों ने बिहार के सभी इलाकों खास तौर पर सारहन तिरहुत सीमांचल मिथिलांचल और कोसी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है और इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है। हमने उपेक्षित सीमांचल और कोसी क्षेत्रों के स्वर्गीय विकास के लिए सीमांचल विकास आयोग और कोसी विकास आयोग की गठन करने की हम लोगों ने बात की है। और आप लोग देखिएगा, जो बिहार की ज़रूरत है, जो बिहार के लोगों की इच्छाएं हैं, जो मुद्दे हैं ज़मीनी, जिससे बिहार बेहतर बन सकता है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा अस्पताल हो, हर प्रमंडलीय में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। हम लोगों का साफ मानना है कि राजनीति में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव बात होनी चाहिए, जिससे बिहार का उत्थान हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो और हमारा राज्य जो है प्रगतिशील राज्यों में सम्मिलित हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहे। हमने विश्वविद्यालय बनाने की बात की, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके और प्रगतिशील बिहार हम लोगों का सपना है कि बिहार बने। जात पात धर्म की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति बहुत हो गई। अब जो होनी चाहिए, बिहार के उत्थान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। लगातार लोगों का जो प्यार समर्थन साफ तौर पे ये दर्शाता है कि बिहार के लोग मौजूदा एनडीए सरकार डबल इंजन की सरकार से ऊब चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मौजूदा जो सरकार है उसका जाना तय है और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव हो करके रहेगा। ये चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, सभी लोगों ने, चाहे व्यवसायी हो, सभी लोगों ने ये मन बनाने का काम किया है। और लगभग आपको हम बता दें 247 जनसभाएं हमने की हैं,
और लगभग 4 रोड शो किए हैं। 251 जो हमारा कार्यक्रम रहा, इतने कम दिनों के अंदर जितना संभव हो सका उतना हम लोग जनता की भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जा कर के अपनी बात को, अपने विजन को रखने का काम करें। लेकिन जनता में काफ़ी ऊर्जा, जोश और ख़ास तौर पे महागठबंधन के प्रति एक उम्मीद और एक आशा, एक विश्वास जो उनके बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बदलाव कर